हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो डिजिट। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से पांच प्लगइन हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मस्ट होने चाहिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लगइन हमारा है बैकअप वर्डप्रेस। में क्या है, आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपका बहुत सारा डेटा है जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी वेबसाइट में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, किसी भी वजह से सब डिलीट हो गया, तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप रहेगा। तो ये आपका ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहता है वेबसाइट का। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे, इसमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पांचों प्लगइन्स के डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक भी उसमें डाले हुए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं ताकि आपको सर्च अलग से ना करना पड़े, बस आप उसी लिंक में जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारे प्लगइन्स फ्री हैं, इसमें प्रो वर्जन भी है, बट फ्री वर्जन में भी बहुत हैं ऐसे यूजेस कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रो वर्जन के लिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रो वर्जन परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, आपका इनसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो सबसे पहले था हमारा बैकअप वर्डप्रेस। नेक्स्ट हमारा है एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन। एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन हमारे कंटेंट को बनाने के लिए होता है, क्रिएटिविटी, कंटेंट की क्रिएटिविटी हम कैसे कर सकते हैं, वो सभी मैं इसके थ्रू। बहुत सारे विडजेट्स इसमें फ्री हैं, कुछ प्रो भी हैं, बट फ्री वर्जन में भी बहुत सारे विडजेट्स हैं, तो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत इजी होता है यूज़ करना, मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है कि हम इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ओवरव्यू भी दे रखा है, आप मेरी बाकी वीडियोज़ में जाके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जितनी भी कोई भी वेबसाइट बनाता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वेबसाइट में आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म तो बनाते ही हैं, डिटेल्स डालते हैं कि कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी आपकी वेबसाइट खोल रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कहाँ करें, उसमें पूरा कॉन्टैक्ट का डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, डिटेल्स डालते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से आप एक फॉर्म की वे में, एक प्रॉपर वे में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह सब इसमें लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट हमारा आता है गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। अगर आपको अर्निंग करनी है प्रोफेशनल वे में भी और पर्सनल वे में भी, तो ये मस्ट है। इसमें आपके पास सारी डेटा हो, इंफॉर्मेशन होगी डेटा की, कि कौन यूज़र्स, कहाँ कहाँ के यूज़र्स और कितने आपकी वेबसाइट को व्यू करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 7 डेज़ में कितना करते हैं, मंथली कितना व्यू कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है इसमें, यूज़र्स कितने हैं, पेज व्यूज़ कितने हैं। इसमें आप लोकेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं किस कंट्री के लोग आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, पूरा ट्रैक करता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में भी सब लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको अर्निंग करनी है या अपनी वेबसाइट की पूरा स्टैटिस्टिक्स देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट में पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। इसमें क्या है, अगर आपको एलिमेंटर लेट सपोज यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी है, सिंपल वे में बनानी है, बट थोड़ा यूनिक वे में, सिंपल सोबर में बनानी है, तो आप पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे विडजेट्स फ्री होते हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इसके भी, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सब की बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी कि इनको कैसे यूज़ करते हैं सारे प्लगइन्स को, हाउ टू यूज़ एलिमेंटर की तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है,
बट ये सारे फ्री हैं, आपका फ्री में भी काम चल सकता है। तो ये ऐसे प्लगइन्स हैं, 4-5 प्लगइन जो आपको ज़रूर डालने चाहिए अपनी वेबसाइट में। ये मस्ट प्लगइन्स हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्लगइन के बारे में कोई भी वीडियो बनवानी है या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।